हाय गाइस, दिस इज सीए क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्थीज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अब इस फंड की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी 20-25% पैसा लगाता है। तो आपको इंडियन इक्विटी के साथ साथ यूएस की जो एक टॉप कंपनीज हैं उनका भी एक्सपोजर ये फंड दे देता है और ये अच्छी रिटर्न्स काफ़ी लंबे टाइम से जनरेट करके आपको दे रहा है। और एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि इसके पास पूरी यहाँ पर फ्लेक्सीबिलिटी होती है कि ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम इस फंड की सारी डिटेल्स पे हम बात करेंगे, ये फंड कहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसने रिटर्न्स अपनी कैसी जनरेट की है और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए ये फंड ज़्यादा सुटेबल है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है और इसके अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 500 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इस फंड की तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इस फंड मैनेजर के पास कि ये किसी भी मार्केट कैप की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए इसकी लॉन्च डेट की तो मई 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था, तो लगभग अभी आप देखेंगे 9 साल पुराना ये फंड हो चुका है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी फंड मैनेजर की तो मिस्टर राजीव ठक्कर इस फंड को सिंस इंसेप्शन यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात होती है किसी भी फंड के लिए अगर उनका जो कोर मेन फंड मैनेजर है वो सिंस इंसेप्शन सेम हो या फिर एक लंबे टाइम से उस फंड के साथ जुड़ा हो। इससे फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो हमेशा सेम रहती है। मिस्टर राजीव ठक्कर के अलावा 2 फंड मैनेजर और हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो फंड साइज इसका 21,000 करोड़ से ज्यादा का इस वक्त हो चुका है। देखने में ये ज्यादा लगता है लेकिन आपको यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी, सिंस ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो ये मेजर अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में भी लगा सकता है, तो फंड साइज अभी इतना नहीं हुआ है कि इसकी परफॉर्मेंस में इशू यहां पर क्रिएट हो। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशन में तो लार्ज कैप कंपनीज में ये मैक्सिमम अभी अपना पैसा लगाकर चल रहा है 77% के आसपास, मिड कैप कंपनीज में 15% और स्मॉल कैप कंपनीज में भी ये 2.53% के आसपास यहां पर पैसा लगाकर चल रहा है। हालांकि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट कंडीशंस को देखकर मेजरली ये पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में अभी शिफ्ट कर चुका है और मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग मिलाकर 17-18% पैसा ये लगा रहा है। वहीं दोस्तों एग्जिट लोड पे अगर इसकी हम बात कर लें तो आपने अगर अपना डाला हुआ पैसा 10% तक पैसा निकाल लिया तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन 10% से ज्यादा पैसा अगर आप निकालते हैं तो अगर आप विद इन 1 ईयर निकालते हैं तो 2% का एग्जिट लोड देना होगा, अगर और अगर आप 1 से 2 साल के बीच में निकालते हैं तो 1% तक का एग्जिट लोड यहां पर आपको देना होगा। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा इसका एग्जिट लोड जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स रहते हैं उससे ज्यादा रहता है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अब आइए दोस्तों इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करते हैं इसकी रिस्क रेशियोज को देखकर। तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करें तो 18.42 चल रही है, शार्प रेशियो 1.13, टर्नओवर रेशियो 23% के आसपास। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर किया जाए तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 19.67 चल रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी किसी भी फंड की दिखाती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में काफ़ी अच्छा ये फंड यहाँ पर दिख रहा है। वहीं शार्प रेशो की अगर हम बात करते हैं तो शार्प रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो कैटेगरी एवरेज से अगर आप देखते हैं तो ये कम रिस्क लेकर काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर पा रहा है। शार्प रेशो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। वहीं टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपनी सिक्योरिटीज को अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल कर रहा है। जितनी कम टर्नओवर रेशो होती है उतनी यहां पर यह चीज दिखती है कि एक फंड किसी भी कंपनी को ऐड करके उसे लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में नहीं कर रहा है। तो कम टर्नओवर रेशो मुझे एक फंड की अच्छी स्ट्रेटजी लगती है। तो यहां पर अगर आप रिस्क रेशोस की बात करेंगे, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, टर्नओवर रेशो, सारी ही रिस्क रेशोस काफी अच्छी इस फंड की यहां पर नजर आती है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करते हैं
तो मेजरली अपना जो पैसा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर में यहाँ पर लगाकर चल रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में 29% के आसपास पैसा है, सर्विस सेक्टर में भी 28% के आसपास पैसा है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसने अपना मेजर पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो यहाँ पर दिखता है, टॉप थ्री कंपनीज में काफी ज्यादा, टॉप थ्री सेक्टर्स में काफी ज्यादा पैसा ये इस वक्त यहाँ पर लगाकर चल रहा है। तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो विद रिस्पेक्ट टू 5 सेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों इस फंड की खासियत क्या है कि ये फंड इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी पैसा लगाकर चलता है। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों टॉप 10 कंपनीज पे इसकी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप 10 में अगर आप देखेंगे सबसे पहला नाम ही यहाँ पर अल्फाबेट इंक क्लास ए यानी कि गूगल का आता है 8.8% के आसपास, उसके बाद ITC 8.63%, बजाज होल्डिंग 7.91%, माइक्रोसॉफ्ट आ जाती है, फिर एक यूएस की कंपनी 7.78%, उसके बाद अमेजॉन में 7.4%, उसके अलावा एक्सिस, ICICI, HDFC बैंक और HCL टेक जैसी कंपनीज भी यहां पर देखने को मिलती हैं, और उसके बाद फिर से एक यूएस बेस्ड कंपनी फेसबुक का नाम आ जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार इसकी जो एलोकेशन है वो इंडियन और फॉरेन इक्विटी दोनों का मिक्सचर रहता है। तो एक अच्छी बात यहां पर इस फंड के लिए होती है कि यहां पर जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो इंडियन इक्विटीज के साथ साथ फॉरेन की जो बहुत टॉप क्लास की कंपनीज हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। तो ये एक काफी अच्छी बात इसकी यहां पर है। और इंडियन इक्विटी में भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करता है ये, जैसे कि आप देखेंगे ITC, बजाज होल्डिंग्स। आज से एक साल पहले तक ITC का काफी मार्केट में मजाक उड़ाया जाता था कि स्टॉक भागता नहीं, और आज आप देखेंगे स्टॉक मार्केट जब गिर रही है एक ITC का स्टॉक है जिसने पिछले एक साल में एक अच्छी खासी रिटर्न्स दी है। तो ये फंड ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में अभी तक सक्सेसफुल हो पा रहा है जो कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही होती लेकिन अच्छे प्राइसेस पे अवेलेबल होती है। ऐसा ही ICICI बैंक और HCL टेक के साथ भी देखने को मिला था। तो स्टॉक पिकिंग काफी अच्छी रहती है और एक कंसंट्रेटेड 20 से 25 कंपनीज का पोर्टफोलियो ये फंड बनाकर चलता है। वहीं दोस्तों अब अगर हम इसकी यहां पर बात करें रिटर्न्स की, तो अगर आपने 10,000 रुपए से शुरुआत की होती आज से 5 साल पहले तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 24,000 के आसपास बना दिए, 19% की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 इयर्स में दी है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि मई 2013 में ही 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते वो पैसा इस फंड ने आपका 49,000 के आसपास बना दिया है। तो रिटर्न के मामले में काफी अच्छा फंड ये लगातार यहां पर बना हुआ है, एक साल में 16% की रिटर्न है, 2 सालों में 41% की रिटर्न है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल रही है। SIP इन्वेस्टमेंट पे यहां पर बात कर ली जाए तो SIP इन्वेस्टमेंट में भी अच्छी खासी रिटर्न्स देखने को मिल रही है। 5 सालों में अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से SIP कराई होती तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1 लाख से ज्यादा की बना दी है, 21% की रिटर्न इसने आपको बनाकर दी है। 3 सालों में 36,000 की लागत इसने आपकी 50,000 से ज्यादा बना दी है, 26% की रिटर्न, 2 सालों में 22% की रिटर्न। हालांकि 1 साल में यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिल रही है, तो वो चीज का आपको याद रखना है क्योंकि 1 साल में थोड़ा यहां पर जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रही है, तो वो चीज यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूं, किसी भी फंड को अगर आपको रियल मायने में जज करना है कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, क्या वो फंड अपने, तो आपको ये चीज देखनी बहुत जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। अब इस फंड की रिटर्न्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक काफी पॉजिटिव बात यहां पर देखने को मिलती है कि ये फंड 1, 2, 3 और 5 साल सभी सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर पा रहे हैं। 5 सालों में बेंचमार्क इंडेक्स ने 13% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 19% की, 3 सालों में 15% की बेंचमार्क रिटर्न है जबकि इस फंड ने 24% की रिटर्न दी है। हालांकि 1 साल में ये जो डिफरेंस है ये काफी कम हो गया है लेकिन अभी भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। तो एक अच्छा फंड यहां पर ये दिख रहा है जो लगातार बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है और वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में मेजरली पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब दोस्तों जैसे कि आपने यहां पर देखा है ये फंड इंडियन और फॉरेन दोनों कंपनीज में पैसा लगाता है, तो थोड़ा सा रिस्क आपको अपना समझ कर चलना है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं और आप फॉरेन इक्विटी में भी एलोकेशन लेना चाहते हैं तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि यहां पर
एग्जिट लोड भी थोड़ा इसका ज़्यादा है। तो अगर आप 2-3 सालों के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न्स ये फंड लगातार जनरेट करके आ रहा है और अभी भी ये फंड 1 साल में भी अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। जब हेल्थ की बात आती है तो डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तो किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो क्या? आप एक ऐसा बिजनेस जो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल दे विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो क्या? आप एक CA, स्टॉक ब्रोकर, LIC एजेंट, बैंकर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न कर रहे हो? तो आप बन सकते हैं वेल्दी के वेल्थ पार्टनर। यहाँ पर आपको मिलेंगे 150+ प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट, ट्रेनिंग और सपोर्ट। तो सोचो मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अपनी ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, यहां पर आप अपनी फर्स्ट सेल पे 1000 रुपीज का बोनस भी आपको मिलता है। सो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।